हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे से इतना टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू। आपको ये रेसिपी आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो चलिए हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने सिंघाड़े का आटा ले लिया है, तो हम नाप कर ही बनाएंगे एकदम परफेक्ट लड्डू कैसे बनते हैं। तो एक कटोरी हमने सिंघाड़े का आटा ले लिया है, तो एक कटोरी हम और लेंगे। जिस कटोरी से नापेंगे उसी कटोरी से सेम आपको नापना है। तो दो कटोरी हमने सिंघाड़े का आटा ले लिया है और सभी सामग्री हमने ले लिया। दो कटोरी सिंघाड़े का आटा हमने नाप कर आपको दिखा दिया है। कोई भी कटोरी या ग्लास मेजर के लिए ले सकते हैं। ये नारियल का बुरादा हमने बनाया था, तो वही हम यूज करेंगे। ये देखिए, बाज़ार से ख़रीद कर नहीं लाए हैं हमने, नारियल कच्ची नारियल से बनाया है। जिस कटोरी से नाप कर आपने आटा डाला है, उसी कटोरी से एक कटोरी जो है गुड़ को कद्दूकस करके भर लेना है पूरा। काजू बादाम को हमने छोटे छोटे में कट कर लिया है। थोड़ा सा मूंगफली का दाना हमने इसको भून लिया है। और लड्डू बनाने के लिए देसी घी ले लिया है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी लड्डू। गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं और इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच आपको देसी घी डाल देना है, ताकि आटा जो है हमें अच्छे से भुनना है। घी को मेल्ट होने देते हैं। दोस्तों, घी मेल्ट हो चुका है और पूरा सिंघाड़े का आटा हम कढ़ाई में डाल देंगे। बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। अब इस रेसिपी को एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, और नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो गया है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और सभी को खिलाएं। तो हमें इसको अच्छे से घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हमें धीमी आंच पर इसको लगातार चलाते हुए सिंघाड़े के आटे को हम भुनेंगे। गैस की फ्लेम तेज़ बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आटा जो है बहुत ही जल्दी जल जाता है और लड्डू जो है कड़वे लगने लगेंगे खाने में। तो हमें इसको धीमी आँच पर खुशबू आने तक हमें इसको भूनना है, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, चलाते हुए हम इसको भून रहे हैं लगातार, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो हल्का सा खुशबू आने लगा है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं काजू कटे हुए। ड्राई फ्रूट्स हम अलग से घी में नहीं भुनेंगे, हम आटे में ही डालकर इसको डायरेक्ट भून लेते हैं। काजू बादाम और नारियल का बुरादा हमने डाल दिया। जब हल्का आटा से खुशबू आने लगे, तब आपको ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देने हैं। आप चाहे तो काजू और बादाम को अलग से घी में भी भून सकते हैं, पर हम इसको आटे में ही डालकर भुनेंगे, ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए लड्डू बनाने में। तो सभी को डालकर हमें 2 से 3 मिनट तक धीमी आँच में और अच्छे से भून लेना है। तो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भुन गया है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको चलाते हुए अच्छे से भुन लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली का दाना। तो मूंगफली का छिलका हमने निकाल दिया था, तो उसको भी हम डाल देते हैं। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट तक भुन लेना है। ज़्यादा नहीं भुनेंगे, सभी चीज़ें भुन चुके हैं अच्छे से, और धीमी आंच पर ही हमें इसको भुनना है। अब इसमें हम डाल देते हैं गुड़। गुड़ को हम कद्दूकस कर लिए थे और 1 कटोरी लिए थे भरकर। 2 कटोरी आटा में 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ गुड़ आपको ले लेना है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। गुड़ को भी अच्छे से मिक्स कर दिए हैं आटा में, दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। और हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट तक ही केवल अच्छे से मिक्स करके पका लेना है। तो दोस्तों, मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम पानी का छींटा थोड़ा डाल देंगे, ताकि लड्डू जो है जब खाएंगे तो बिखरे ना, इसलिए पानी का छींटा डाल डाल कर आपको इसको मिक्स करते रहना है। तो इतना हमने डाल दिया है, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो ड्राई ना हो ज़्यादा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने डालकर इसको मिक्स कर रहे हैं। तो ऐसे आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है, और गैस की फ्लेम जो है धीमी आँच ही रहे,
नहीं तो जल जाएगा। तो ये देखिए हम दोबारा डाल रहे हैं पानी का छींटा, इससे जो है लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, खाने में भी और अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों दे सकते हैं, ज़्यादा ड्राई नहीं दिख रहा है। अगर ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें पानी का छींटा और डालें। तो ये देखिए हम पानी का छींटा और डाल रहे हैं और मिक्स करते रहना है आपको। ये बहुत ही आसान तरीका है सिंघाड़े के आटे से लड्डू बनाना, एकदम न्यू तरीके से। दोस्तों अब इसको हम कढ़ाई में से पूरा थाली में निकाल लेते हैं। तो हमने इसका पूरा थाली में निकाल लिया है, तो अब ये ड्राई है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा और डालकर इसको पूरा भिगो लेते हैं थोड़ा सा। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर पानी का छींटा डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने पानी का छींटा 2 से 3 बार डाला है और देख सकते हैं आप लोग अब ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, अब एकदम इकट्ठा दिख रहा होगा। ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं तो लड्डू बनाते हैं हम। तो अभी दिखाते हैं दोस्तों कितना आपको मिक्सर रेडी रखना है। तो ये देखिए जैसे ही हमने छोटा थोड़ा सा उठाया मिक्सर तो ऐसे एकदम बन जाना चाहिए लड्डू, देख सकते हैं आप लोग। तो इतना पानी डालें कि इतना लड्डू बनाने के लिए हो जाए। अगर ज़्यादा सूखा रहेगा जब आप खाएंगे तो एकदम टूटने लगेगा, तो इसलिए इतना पानी डालें कि ये लड्डू एकदम अच्छे से बनकर रेडी होने लगे। और ये देखिए छोटे छोटे मीडियम साइज के लड्डू हम बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, तो एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी सभी लड्डू बनाकर तैयार करना है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये लड्डू, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अब इसको नवरात्र में बनाइए, पूरे 9 दिन तक आप इसको खा सकते हैं। एकदम हेल्दी टेस्टी गुड़ वाले सिंघाड़े के लड्डू। तो ये देखिए तो इसी तरीके से हम सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों हमने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने स्वादिष्ट हैं ये लड्डू, हम आपको ये पास से दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कैसे दिख रहे हैं आपको लड्डू, एकदम बढ़िया सॉफ्ट दिखा देते हैं हम आपको, और बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम बाजार जैसे परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ। इतना आसान तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा लड्डू बनाने का। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको यह टेस्टी रेसिपी कैसी लगी है। तो बनाइए और आप भी खाइए नवरात्र फलाहार में, आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।